धर्म प्रेमी सज्जनों, आप लोगों ने काफ़ी दिन से ये सुनते और देखते आ रहे हैं कि हमारे बच्चों ने भी अपनी तैयारी किस प्रकार से किया है कि एक पादरी हो एक मौलाना इन बच्चों को निरुत्तर नहीं कर पा रहे हैं और खुद निरुत्तर होकर के भाग रहे हैं। ऐसे ही गणेश और हरिओम जी जो पूना के हैं और गणेश जी आसाम के हैं, बहुत सारे वीडियो इनके आप लोग सुन चुके हैं। आज भी एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि पादरी किस प्रकार से भाग रहे हैं, इसे देखिए और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों तक पहुँचाने के लिए आइकन बेल दबाना न भूलना। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य। हाँ, ओम बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से, और मेरा दोस्त भी लाइन पर है गणेश भाई, वो जो आसाम से है। हम दोनों भी बाइबल पढ़ते हैं तो थोड़ा सवाल आ जाता है मन में, तो हमने सोचा कि आपसे पूछ लूँ, तो आप हमारे में हेल्प करोगे? हाँ जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हो? हाँ गणेश भाई जी, पास्टर साहब जय मसीह जी। जय मसीह जी। हाँ नमस्ते, आप एक सवाल है मेरे मन में, मौलाना साहब, वो पास्टर साहब क्या कुरान और बाइबल के एक ही है क्या? हाँ जी, ये जो कुरान है और बाइबल है क्या ये दोनों एक ही है? जी नहीं, बाइबल अलग है, जो भी दूसरी आप बात कर रहे हो कुरान की वो अलग है जी। हाँ जी एक ही है। लेकिन देखा जाए तो कुरान में भी आदम का किस्सा है, बाइबल में भी खुद आदम का ही किस्सा है, ये क्यों? प्रभु परमेश्वर की महिमा की गई है, किसी भी आप धार्मिक ग्रंथ को देख लें, प्रभु परमेश्वर की ही बड़ी है, प्रभु यीशु मसीह की ही महिमा की गई है, उनका नाम जिक्र किया। नहीं नहीं, मैंने बोला जो कुरान का जो आदम की उत्पत्ति है, ठीक है। हेलो, हाँ जी हाँ, जो कुरान की आदम की उत्पत्ति की बात की गई कुरान में, वैसे तो हुबहू बाइबल में भी की गई है, तो ये दोनों पुस्तक क्या एक ही समझे हम या अलग अलग समझे? आप बाइबल को ही देखें। हाँ जी, एक बाइबल है, बाइबल में ही देखें आप, ठीक है, बाइबल को ही रीड करें, बाइबल को ही पढ़ें, ठीक है। मतलब वो वाला असली नहीं है, वो कुरान असली नहीं है, बाइबल ही असली है ना? हाँ जी बाइबल है हमारे, हमें बाइबल ही रीड करनी है, ठीक है। प्रभु ने भी हमें बाइबल ही है हमारे पास, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का वचन है, जिससे हमें संज्ञाई प्राप्त होती है। तो ये मतलब वचन वचन है, वचन है, यहोवा परमेश्वर का वचन है ना? कहते हैं ऐसा तो कुरान वाले नहीं कहते हैं पास्टर साहब, तो हम किस पर विश्वास रखें? नहीं, बाइबल को रीड करें आप, ठीक है, बाइबल को रीड करें, बाइबल पर ही विश्वास रखें और बाइबल के वचनों पर ही अपनी जिंदगी चलें। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो एक सवाल था हमारा, इसको जरा क्लियर कर देंगे आप? लिखा है, बात सुने, बाइबल में लिखा है, प्रभु कहते हैं मैं अपना वचन भेज कर लोगों को चंगा करता हूँ, मैं अपना वचन भेज कर आने वाली सभी से बचाता हूँ, मैं अपने से ज्यादा वचन को ज्यादा कर देता हूँ, इसलिए अच्छा। मतलब क्या यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर वचन भेजता है ना, मुंह से बोलता है तो जी। हाँ तो यहोवा परमेश्वर, क्या हम क्या समझे कि वो निराकार नहीं है, आकार है उसका, एक व्यक्ति विशेष का नाम ही यहोवा है, ऐसा समझे हम? कैसे है? अगर ईश्वर वचन भेजता है, यहोवा परमेश्वर अगर वचन भेजता है जी, अगर यहोवा परमेश्वर बाइबल का जो यहोवा है वो वचन भेजता है, तो वचन के लिए तो मुंह का होना संभव होना चाहिए ना? तो ईश्वर आत्मा के वसीले, होली स्पिरिट के वसीले हमें गाइड करते हैं प्रभु, ठीक है। प्रभु हमें ईश्वर आत्मा के वसीले, हाँ हाँ नहीं नहीं, ये जो आप जो बोल रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन है, ठीक है जी, नहीं मेरे बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि वचन है, वचन का मतलब क्या हुआ, किसी ने बोला है ना? पास्टर साहब सुन रहे हो? आपकी बात को हम, आपकी बात
दूसरी है, हम जो कह रहे हैं आप पहले बहुत सुने, जो वचन ये नहीं है कि वचन प्रभु ही परमेश्वर मुक्त कैसे बोलेंगे, ठीक है। वो प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है, प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है, वो है पवित्र आत्मा होली स्पिरिट, ठीक है। पवित्र आत्मा हमें वचन को समझाता है, ठीक है। पवित्र आत्मा हमें खाता है वचन का। हम जो ईश्वर के वचन को माने कि ईश्वर ने कहा है, ऐसा है ना, ईश्वर का कहा, ईश्वर का वचन ही माने है ना हम जी, ईश्वर का कहा ही माने ना, ईश्वर की बात ही माने हम, ऐसी है। तो जब कहना क्या चाहते हो आपकी क्या बात क्या है, क्या आप कहना क्या चाहते हो? अच्छा होगा ओम भाई। हाँ बोलिए। हाँ वो एक सवाल साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो उत्पत्ति याद है उसमें दो अध्याय उत्पत्ति का और सातवां वचन में पढ़ता हूँ, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया जी। और आठवां पढ़ लेता हूँ, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था वहां रख दिया, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे उगाए और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष को, जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो थोड़ा आप इसका आप एक्सप्लेन कर दीजिए। एक तरह से ना प्रभु ने जब आदमी को बनवाया उसमें प्रभु ने उनकी नाक में उनकी सांस रखी थी, ठीक है। हाँ। वो जीवित हो गया तो इसको भले और बुरे की नहीं। पास्टर साहब वहीं पे रुकिए, पास्टर साहब क्या क्या जो पुतला बनाया उसकी नाक में जो प्राण फूका तो प्राणी ऐसे ही बन गया? कैसे? जो यहोवा परमेश्वर ने माटी से धूल से बनाया आदम को जी, धूल से ही बनाया ना? हाँ जी, मिट्टी से है, हमें मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाया तो भी ना। हाँ, हमें मिट्टी से नहीं बनाया, वो आदम को मिट्टी से बनाया। हम तो माता पिता के उधर से ही जन्म लेते हैं ना, मतलब हम माता पिता की ओर से हैं, मतलब हम है तो आदम की वंश है। आदम वही तो पहले तो ये आदम तो फूक होना होगा ना, है तो हम माता पिता के, ठीक है बेटे। नहीं नहीं तो आदम तो पहले प्रूफ होना होगा ना, जो ये जो पुतला बनाया यहोवा परमेश्वर ने, जो पुतला बनाया उसकी नाक में श्वास फूका, मिट्टी से बनाने की बाद, मिट्टी से बनाने की बाद ये प्राणी बनना संभव कैसे हुआ? और नाक में जो श्वास फूका, जो प्राण फूका, वो प्राण यहोवा की ओर से आया कहाँ से? प्रभु ने उनको अपने हाथ से रचा, मिट्टी से रचा। हाँ हाँ रुकिए रुकिए, हाथ से रचा ना, जीवन के श्वास को फूक दिया। नहीं हाथ से रचा ना। हाँ जी हाँ जी, मिट्टी से रचा। नहीं नहीं मिट्टी से, वो तो हाथ से ही रचा ना, हाथ से ही कोई तो मूर्ति बना पाएगा, हाथ से रचा यहोवा परमेश्वर ने। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो यहोवा परमेश्वर हम क्या समझे, वो एक व्यक्ति विशेष का नाम है, एक इंसान है वो, बाइबल का जो परमेश्वर है। अगर हाथ से रचता है, अगर हाथ से वो मूर्ति बनाता है तो इंसान ही कहलाएगा ना, ये तो गुण इंसान में ही देखने को मिलते हैं हमें। उससे बाइबल के वचन को पढ़ें, ये बात नहीं, इस बात को आप समझाइए ना पादरी साहब। वचन ऐसे नहीं क्लियर होंगे ये बात नहीं पादरी साहब, कोई कुछ दे देगा हम उसको मान लेंगे, नहीं कोई कुछ दे देगा हम उसको मान लेंगे, ये तो इंसानियत नहीं कहलाएगा ना, ये तो इंसान का काम नहीं है, हम तो तर्क करेंगे ही। अच्छा नहीं रुकिए, बाइबल के हमें तर्क करना सिखाता है, बाइबल के हमें तर्क करना सिखाता है। पहले बातों सुनो, आप कह रहे हो कि वचन है, आपको समझना है नहीं समझना है वो आप नहीं, आदम वाला समझाइए ना, आज आदम वाला समझाइए, बोलिए मतलब। आपको पहले ना पवित्र बाइबल के वचनों के डेली पढ़ें और प्रभु से मांगे, प्रभु ज्ञान की बुद्ध जिससे मैं तुम्हारे वचनों को समझ सकूं और सीख सकूं, मुझे प्रभु आप ठीक अपना और एक सवाल पूछ सकता हूं मास्टर साहब। ब्रदर इस नंबर पर ज्यादा काउंसलिंग नहीं की जाती, ये हमारे ओम भाई गलत कर रहे हैं, ये पहला सवाल ही क्लियर नहीं कर पाया इन्होंने। आप ना हम आपको काउंसलिंग वाला नंबर नोट करवा देते हैं, एक नंबर पर कॉल करते हैं वाले, वो मतलब सादा सा पूछ सकता हूं। ये हमारा ऑफिशियली नंबर है, हम आपको काउंसलिंग वाला नंबर नोट करवाने लगे हैं, वो नोट करो आप नंबर, उस नंबर नहीं नहीं वो पहला वाला सवाल क्लियर कीजिए ना पास्टर साहब।
आपको कितनी बार बता दी ब्रदर, आपको नहीं रुकिए ना, ये जो आदम को जो अपने हाथों से यहोवा ने बनाया, क्या हम समझे क्या? अरे भाई रुक तो ली, सुन तो लीजिए मेरी बात। हेलो हेलो मास्टर साहब, मास्टर आ गया क्या? अरे यार ऐसा करने से कैसा होगा, ये लोग ऐसा फोन काट देते हैं ऐसे यार। मैं क्या करने वाला था, ये सब तो बात करना ही बेकार है। देखिए बाइबल कितना पानी में है। अब सब ये जो रिकॉर्डिंग अब यूट्यूब पे जाएगी, 100-100 लोग सुनेंगे, तो मसीह लोग का क्या हालत होगा? बोलिए, उनका पास्टर ही जवाब नहीं दे पा रहा है मुंबई। उनको लगाइए जरा, उनसे बात कर लेते हैं। चलिए तो वो से हम लोग वो पकड़ के 1500 पकड़ते, उससे पहला भी नबी आया था तो वो हमको डेट नहीं लगता, क्यों हम लोग उनके उम्मत। अच्छा, मतलब एक बात बताइए मुझे भाई साहब, वो उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। क्यों बताइए, हर साल कैलेंडर निकलता है, एक इस्लामिक कैलेंडर निकलता है, एक जो वर्ल्ड का है क्रिश्चियनिटी, जो आपके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या 1400 साल से ही है? 1400 साल पहले कुछ था नहीं? 1400 साल से ये दुनिया बनी है? नहीं 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 नहीं, उससे पहले था ना। हाँ जी? लेकिन हमारा जो डेट है ना, हम लोग कौन सा, उससे पहले भी है डेट है, लेकिन हम लोग क्या है, हर जो नबी, जो अल्लाह ताला जो नबी डालता, मतलब क्या होता था पहले, जो फर्स्ट स्टार्टिंग से मैं बता रहा था आपको, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को पैदा किया, आदम अलैहि सलाम पहले तो जन्नत में स्वर्ग में थे वो। अच्छा, पहले वो जब पैदा किया दो तो उन्होंने जमीन पे नहीं आया था अभी, उससे पहले। देखो सबसे पहले आप जाएंगे ना तो और आगे जाएगा ना, आदम से भी आगे जाएगा तो और भी है, आदम से भी आगे है। मतलब पहले अल्लाह ताला ने ना ये दुनिया को पहले बनाया है, आदम पहले, आदम से पहले ये किस लिए बनाया, इसलिए भाई सवाल उठता है ना, दुनिया बनाने क्या जरूरत है बोलो, जब अल्लाह ताला है तो उसको दुनिया बनाने क्या क्या गरज निकला बोलो। अच्छा अभी आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, दुनिया को उन्होंने कैसे बनाया? दुनिया को उन्होंने कैसे बनाया? हाँ ये सवाल आपका अच्छा है, दुनिया से क्यों बना, कैसे बनाया, प्रोसेस क्या था, दुनिया कैसे बनाया और क्यों बनाया, वो भी सवाल है ना। ये तो कैसे बनाया हो गया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसका दीजिए, क्यों बनाया, नहीं कैसे बनाया, कैसे बनाया। देखो पहले ये दुनिया, ये रोशनी भी नहीं थी पहले, ये है ना, पहले कुछ नहीं था, ये सब अंधेरा ही था, अंधेरा जी? पहले ना अंधेरा ही था, कुछ नहीं था, कुछ ये आसमान था ना, जमीन था ना, पानी था। अभी क्या बोलो, अभी जमीन, जमीन बोला तो वो एक अलग हिस्सा है ना, पृथ्वी बोलते है ना उसको, जो ग्रह है। अभी साइंटिस्ट, अब हमारे इसमें क्या लिखा, जो खाली कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था मतलब, नहीं नहीं बनाया कैसे, बनाया कैसे, वो बोलिए, सोचता हूँ ना, मैं बताता ना, नहीं आप सोच के बनाने बताने से नहीं होगा, दलील दीजिए ना, नहीं आपके पास, नहीं सुनिए, नहीं नहीं मेरा मुंह से निकल गया, नहीं नहीं वो गलती से मेरा मुंह से निकल गया, नहीं नहीं मैं बताता आपको, देखो पहले कुछ नहीं था मतलब कुछ भी नहीं था, खाली उसका एक नूर, हम लोग क्या बोलते हैं, अल्लाह एक नूर है बोलते हैं उसको, उसका कोई रूप नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई रूप नहीं है, वो एक नूर मतलब एक रोशनी है, ताकत है वो, एक रोशनी का एक ताकत है अल्लाह, हम लोग अल्लाह को क्या मानते हैं, मतलब एक नूर है वो, मतलब एक रोशनी, उसका कोई चेहरा है ना, कोई रूप है, कुछ नहीं है, समझा ना। उसने इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं, उसने क्या किया, अल्लाह ताला ने क्या किया, इरादा किया जी, मतलब अल्लाह ताला ने इरादा किया, ये दुनिया बनाने से पहले इरादा किया उसने जी, मतलब पहले कुछ नहीं था, मैं पहचाना जाऊं, मतलब मैं अभी, मेरे को जानने के लिए कुछ तो चाहिए ना सामने। अरे भाई प्रोसेस किया था वो तो बोलिए, इतना घुमा का है रे। हाँ अरे वो मैं बता रहा आपको, उसने क्या किया, कैसे बनाया वही बोल दीजिए। हाँ मैं बताता आपको, पहले एक नूर था ना, उसने और एक नूर बनाया जी, वो एक रोशनी था ना। अभी देखो एक चिराग ले लो आप, चिराग एक रोशनी ले लो, एक आग ले लो आप, आग मैं आपको बता दूं, क्या बोल रहे हैं आप, ये सब क्या, सब क्या बोल रहे हैं, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, कहाँ आग, क्या क्या बता रहे हैं आप, अरे मैं बोल रहा हूँ कैसे बनाया वो बोल दीजिए ना, कैसे बनाया, नूर से बनाया ना वो, नूर मतलब कैसे, नूर से बनाया, कैसे, नूर से बनाया, नहीं
कैसे नूर से बनाया? पहले एक उसने पहले नहीं, क्या पानी नहीं नहीं को कैसे बनाया नूर से? नूर मतलब कितने क्या है? दिन नूर में बनाया? कितने दिन में बनाया? हाँ कितने दिन में बनाया? 7 दिन में बनाया। 7 दिन? अच्छा 7 दिन में बनाया, ठीक है। हाँ 7 दिन, 7 दिन लगाओ बनाने को। अभी अभी सुनिए, अल्लाह कुन कहता है फाया कुन बस हो जाता है। अल्लाह कुन कहता है फाया कुन बस हो जाता है। अल्लाह कुन बोला? हाँ कुन बोला, फाया कुन हुआ, कुन बोला। सुनिए सुनिए, अल्लाह केवल कहता है कुन और कुन। फाया कुन हो जाता है ना? हो जाता है। हाँ सही है ना? हो गया। सही बोला। हाँ तो 6 दिन क्यों लगे? कुन कहने में 6 दिन क्यों लगे? वो ये प्रैक्टिकल चीज बनने उसको टाइम लगा। प्रैक्टिकल नहीं 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 नहीं, आप वो दूसरी और खींचे मत चले जाइए। आप मुझे ये बोलिए, जो कहता है कुन हो जा, होने के लिए उसने किसको कहा था? जो मैं कह रहा हूँ हो जा, और सुन कौन रहा था? ये जो कहा हाँ? कुन, ये जो हाँ? कहा कुन किसको कुन? कहा था और किसने सुना और क्या हो गया, इसका उत्तर दीजिए। हो जा बोला ना, वो चीज हो गया ना। ठीक है, तो सुनना चाहे, सुनने वाला कोई होगा ना, किसने सुना था? किसने सुना था? उसका एक नूर था ना? और नहीं नहीं नूर नहीं, आप जवाब दे ही नहीं पा रहे और सवाल भी समझ नहीं रहे। मैं आपको बोल रहा हूँ भाई कि उन्होंने जो कहा हो जा कुन, हो जा ठीक हो है जा, किसको कहा था? किसको कहा था इसका आंसर दीजिए। किसको कहा था? किसको कहा था? आप मुझे समझाने आए हैं ना? जवाब तो मैं बोल रहा ना आपको। देख आप क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आपकी बातों से तो सारी दुनिया नहीं चलती है ना। आप बोलिए उन्होंने जो कहा, सुनिए भाई साहब सुनिए, उन्होंने जो कहा, आपका अच्छा सवाल, अच्छा आपका सवाल अच्छा है। उन्होंने जो कहा कुन है, किससे कहा था? किससे कहा था? किससे कहा था इसका आंसर? मैं किससे कहा? मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपको एक चीज बता रहा हूँ। कहा था? नहीं नहीं प्रैक्टिकल नहीं, किससे कहा था? अरे वो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक नूर है ना अल्लाह। मैं मेरे को पहले बताओ, मेरे को बताओ, अभी बताओ, एक नूर बताओ क्या अल्लाह, हम लोग क्या मानते हैं? अल्लाह एक नूर है। अभी आपको चीज बनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। पहले ठीक से पढ़िए, ठीक है, ठीक है, ठीक से पढ़िए, उसके बाद ठीक है। ठीक है, मैं आपका सवाल वो ये करता हूँ। आपने बोला ना वो सवाल, भाई आपका नाम भूल गया, और एक बार बोलिए नाम क्या था, भूल गया मैं। गुलाम मौला, गुलाम मौला, गुलाम मौला, ठीक है। तो भाई पहले आप ठीक से पढ़िए, बाद में बात करने आइएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, आपका सवाल ठीक है।